अच्छा साथियों, आप लोगों के बीच में एक थे बिरहा के प्रस्तुति बा और एक कहानी के शीर्षक बा गद्दार बाप और तरुणी सेन के कहानी बा। चार लाइन भूमिका पर गौर करेंगे कवि के लेख बा। अबुलत पथलहू में सनाई जब लंका, अरे लाशों की ढेरी लगी है, तो मारे गए वीर लंका के सारे, गरजा दसानन न देरी लगी है, तो बचा वीर है कोई लंका के अंदर, कियर समाले उन्हें कोई करके लड़ने का जा जिसकी आई। ए भैया एक लाइन गजल के नमूना बा। उहे गीतिया के लाइन बा के सब कहे ला की बहुत, अरे सुघर बारुद हो, सब कहे ला की बहुत, अरे सुघर बारुद टोना लागे न कहा के धर्म के वास्ते धन, अरे लुटावे कोई हो, धर्म के वास्ते धन, अरे लुटावे कोई कोई बेटावा के काटे लाका दरिया। नजम के लाइट बा, वंश का यंत्र विभीषण के अंदर आया है, वंश का यंत्र विभीषण के अंदर आया है, राम का भक्त भाई रावण का कहाया, yeah!
रहायक लाल तरुणी सेन ने विचार किया, रहायक लाल तरुणी सेन ने विचार किया, समर में जाऊंगा ऐलान को स्वीकार किया। बाप के जैसा न गद्दार मैं कहूंगा, बाप के जैसा न गद्दार मैं कहूंगा, फूल खानदान का मैं दागिना लगा। मतारी शर्मा पास जाके लाल बोला है, 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 उम्र था सात का माँ के मन को टटोला है। ए भैया पहले बतिया समझला ताकि गीत समझले में सानी हुई। एहवर जब लंका के सारा वीर मार गईलन हा, देखें एकांत में बैठ के रावण गलानी करत है कि हमारी लंका के सारा वीर मार गईलन। ए बाबू ये बतिया सोचत है रावण और सोचत है कि आखिर हमरे लंका में दिया बारे वाला की है। ये बतिया जौन हा विभीषण का लड़का तरुणी सेन सुनत रहे, सोचले हो कि हमार चाचा गलानी करत होन, तो धनुष बाण उठौले हो, बड़े रोष में बड़े तैश में चलल बा। कवि के एक लाइन गीत के अंदाज दे होते हैं। आउए गीतिया के लाइन बा के दुश्मन मिले भी नहीं है, दुश्मन मिले भी नहीं है मगर मतलबी यहाँ ना मिले, यही भाव में तरुणी सेन कैले कहा, बोला तरुणी सेन ओ बोला तरुणी सेन कयर जी है हमारे हमें आशीर्वाद के देता, ओ आशीर्वाद के देता महंगा दया दुलार शहम गई शर्मा महतारी ममता गई छछाई, लजिया तू धक रखिया, लजिया तू धक रखिया यार जी है हमारे ए बाबू। तरुणी सेन धनुष बाण उठौले हो, बड़े रोष में बड़े तैश में चलल बा, सोचले है कि चली अपनी माई शर्मा से आशीर्वाद ले ली। माई शर्मा के पास में जब पहुंचल है पैर छुअले है माई आशीर्वाद दे ले है। माई देखलिन कि हमार लड़का बड़े तैश में बड़े रोष में धनुष बाण लेके चला था, पूछलिन कि ये बेटा आखिर बतावा ये धनुष बाण ले ले हवा।
बड़े रोष में बड़े तैस में जात हुआ तो आखिर कहाँ जात हुआ। देखे तरुणी सेन बतौले बा कि माई चलत है अब राम के मारे। माई शर्मा कलिन की बेटा विजयी हो। तरुणी सेन लगल सोचे कि बगलिये में सीता जी बाटी तो चली नहु से हम आशीर्वाद ले ली। कवि के एक लाइन गीत के अंदाज देव पड़ल के कुकुहू कुमरूगा बोली। अब कुकुहू कुमरूगा बोले छोड़ी ना कलाई जी छोड़ी ना कलाई। अब कल तरियाबानी भोर भैल जाई जी भोर भैल जाई। आज यही भाव में देखें तरुणी सेन माई सीता जी के पास पहुंचल हा। कैले का बा दौरल दुलार जाला दौरल दुलार जाला सिया के समनावा सिया के समनावा। मांगे आशीर्वाद जाई सिया से सुगनावा। सीता जी कहली कि ये बेटा ई बतावा तुहार उम्र 7 वर्ष के बा तू धनुष बाण ले ले हवा। इतना रोष में इतना तेज में आखिर कहाँ जाते। तरुणी सेन बतौले बा कि माई अब चलत थी राम के मारे। देखें सीता जी लगली हंसे और कहली कि बेटा विजयी भव भयल का कैली विचार ना बिचर गे बिचारा दियली थमाई सिया सुंदर पुष्प हरावा। देखें सीता जी कहलिन की बेटा विजयी भव लेकिन ये बेटा हिला फूले के माला तोहरी गटई में हम डारत हैं। एक चीज का ध्यान दिया कि जबले ये फूले के माला तोहरी गटई में रही ये धरती पे वीर केहू तुमके मारी ना पा। सीता जी कहली का मारी ना ही पई है तुमके मारी ना ही पई है तुमके कौनो दुश्मनावा कौनो दुश्मनावा। मांगे आशीर्वाद जाई सिया से खें फूले के माला तरुणी सेन पहन ले हा। रास्ता धई के जा थक तब तक बीच रहिए में विभीषण से मुलाकात भेल बा। और जब विभीषण से मुलाकात भेल बा तो कवि के एक लाइन गीत के अंदाज देव कर गीतिया के लाइन बा कि अरे सावन हो सावन सावन कही के अगहन बीताई दी हला।
देखे यही भाव में आज उ फूले के माला पहिर के तरुणी सेन कैले कहा हो पाके हारवा दुलरवा हारा साई गई ले भीषण लगलन पूछे कि ये बेटा आखिरी बेतावा तू राम के मारे जात हवा जरूर लेकिन ये बेटा ये फूले के माला तोहरी गटैया में कैसन हा देखें तरुणी सेन समझ ना बोले है बाबूजी सारा भेद बता देले बा कि बाबूजी ये माला सीता जी देले है और कहले है कि ये बेटा माला तोहरी गटैया में जब तक रही ये धरती पर केहू वीर तुमके मार ना पाई विभीषण लगल सोचे कि हईला हमारा लड़का हमारे भगवान के मारे बदे जाता देखे वही विभीषण बतौले बा कि ये बेटा ये मलवा हमें देता है इतना सुंदर माला बा आ तू जात हवा लड़ाई पे तक कहीं मलवा लड़ाई में टूट के बिखर जाए तब लेवा ई मलवा हम सुरक्षित रखले रह आज अब लड़ाई से यहाँ ती मलवा तू ले लिया भाई का पूछ पूछ कारी कहवा कैला पयाना देखें साथियों विभीषण फूले के माला निकलवाई लेले हा एक बाप अपने बेटा के साथ गद्दारी करता है साथियों कभी क्या एक लाइन गीत के अंदाज बा आओ एक गीत के लाइन बा कि कौनो दुलही अपनी सैया जी के इंतजारी करत है सुहाग के पहली रात में कहेगा के प्रेम के फूल कसे सजवली सैया प्रेम के फूल कसे सजवली सैया रे सैया रे सैया के भावा बनल बाप बेटवा के बैरिए भैया बनल बाप बेटवा के बैरिए भैया रे भैया रे भैया राम के खातिर हो राम के खातिर हो I'm a
समझ ना पोले बाबतिया ए बाबू मलवा निकार के दे देले बा, लेकिन हर जब विभीषण भरमा के माला ले लेले बा तरुणी सेन चल देले बा और पहुंचल है कहां कभी की एक लाइन गीत के अंदाज बहुत अच्छे राम ना बिगरी है जे करी के हुका बिगारी लेकिन गाना के भावा अरे लेला भरे माई जी अरे लेला भरे माई जी हरवा दुलरवा से लेला भरे सोचले है कि चली अपने चाचा रावण से मिली। जब रावण के पास पहुंचल बा पैर छूले है रावण बड़ा खुश भइल है पूछले कि ये बेटा आखिर बतावा ई धनुष बाण लेले हवा इतना रोष में इतना तेज में जात हवा अब तू आर उम्र 7 साल के बा तक कहां जात हवा। तरुणी सेन बतोले बा कि ये चाचा जब चलत थे राम के मारे देखे रावण के सिनेमा गदगद हो गए सिनेमा चौड़ा हो गए बाबू कलश की बाहरे बेटा अगर आज समवा तक की लड़ैया के संभाल लेता बेटा ना तो समवा के बाद देखती कि केकरी में कितना दम बा कभी के टेरी के भाव दिखे अरे राम अब लड़ाई यारी पार के होई तो दे आशीर्वाद बादी के करम सफाई ए! 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 ए!
बोले बाकी हे बेटा, समवा तक लड़ैया अगर संभाल लेता ना तो समवा के बदवा देखती की केकरी में कितना दम बा। कभी के पहपट के भाव लिखे। अरे तुरंत रावण दिहलसा हाथ उठाई कर लड़ाई हो, अरे आज के दिनवा ले बा दिना बिताई कर लड़ाई हो। अब खाली आजबा खतरा हो, दिन डूबल के पहले चाहे छोड़ा हमारे बखरा हो। ए बाबू इतनी बतिया, जब रावण के तरुणी सेन सुन ले बा तो कहले बा, अरे तरुणी सेन तब लिहल सब बाण उठाई करा लड़ाई हो, अरे ठोक ताल तब दिहल सब बाण चलाई करा लड़ाई हो। ए बाबू रावण कहले के विजयी भो बेटा, और इतनी बतिया सुनते तब तक तरुणी सेन अपने धनुष पे बाण चढ़ो ले बा, छोड़ ले जाके बाण रामा दल में गिरल बा। और जब रामा दल में गिरल बा तो देखें आल्हा के प्रमाण कवि के लिखे पड़ल। एक पति और बढ़ जा कि अरे मारा तरुणी सेन हनी के बनावा जवन घरिया भैया, भैया बनवा से बनवा है गगन में टकर हा, बनवा से बनवा है गगन में टकर हा, नहीं पार ना भी भीतर के बोलावा, अरे मरा लेकर भेदावा होते तू बताई हो। ए भैया पहुंचल बात तरुणी सेन भगवान राम के सामने, बतौले बा कि ए राम बोला तू बाण छोड़बा कि हम छोड़ी। राम लगलन हसे, लगलन सोचे कि 7 साल के लड़का हमके चुनौती दे था। तब तक तरुणी सेन एक बाण छोड़ले बा। श्री रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण हनुमान तीनों जनी बाहर आ गए।
और जब श्री रामचंद्र जी बाण छोड़े तो एक परग जम्बा तरुणी सेन पीछे जाए। श्री रामचंद्र जी विभीषण के बोला के कहलन की आखिर विभीषण बतावा, ई लड़का जब बाण मारा था तो हमन पास तीनों जनी बाहर आ जा थे, और हम जब बाण मारा थे तो एक परग पीछे हटा था। बात का देखे विभीषण वही छल कैले अपनी बेटवा के साथ में कहे का अब तरुणी के दिहा ले गगनावा भैया तरुणी के दिहा ले गगनावा पठा अरे गिरत समय मारा नीचे से तू बना अरे तलुआ में पान लगत गई ना फहराई हो ए बाबू विभीषण बतौलन की नाथ ये तरह से ना मरी एकरी पैर में अमृत बसल ह तालू में अमृत बसल ह और जब एके बाण मरवा ते आकाश में जाई और दूसर का बाण जब तालू में मरवा तब मरी वरना मरी ना पाई। देखें श्री रामचंद्र जी वो एक एलन जवन विभीषण बतौलन कवि के अंतिम भाव देवे पर हाय कियर रोएल विभीषण अब बहां के आसिया थयर लेके गोदिया में रोएल बेटा कलसिया अब पूछे श्री राम राजा ये कर बतावा अरे काहे बदल हंस लेके आतिया बहा बाबूजी जब एक बाण श्री रामचंद्र जी तरुणी सेन के मरले होन तरुणी सेन आकाश में पहुंचल बा और जब दूसर का बाण मरले हवा तरुणी सेन के तालू में लगल बा तरुणी सेन धड़ाम दे जमीन पे गिरल बा। ए बाबू जब जमीन पे गिरल हो तो देखे विभीषण वो लड़का के उठा के जंघा अपनी मुड़ी अपनी जंघा पे रख के बिलाप करल शुरू कर लन। श्री रामचंद्र जी लगलन सोचे कि आखिर लंका के इतना वीर मारल गई लन लेकिन विभीषण के आंख से आंसू तक ना गिरल मुंह से आह तक ना निकल लेकिन लड़का कौन है जो उनकी एकरे मरता विभीषण उकर मुड़ी उठा के अपनी जंघा पे रोवत हो पूछे लगलन कहे का कि कहे न विभीषण का बताई बतिया अरे लेके गोदिया में रोवल बेटा कलसिया देखें विभीषण बतौले हवन कि बेटवा हमारे हमें अब यहाँ गई आई अरे यही बदलना था माया सिया बहाई विभीषण बतौले कि ना थी दूसरे केहू के लड़का ना हमरे लड़का तरुणी से नहीं आए हाय भगवान श्री रामचंद्र जी अपन धनुष बाण जमीन पे रख देलन कलन की बाहरे पगला हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मेरे ही हाथों मेरे भक्त का लड़का मारा गया अगर तुम मुझे बताए होते पहले से तो आज ये घटना नहीं घटती। देखें ये हर माई शर्मा जब सुन ले कि हमारी बेटवा के मौत भइल बा
कहें का कि अरे सुनी शर्मा मतरिया पिटैली छतिया आले के गोदिया में रोवेले बेटा की लसिया। विभीषण श्री रामचंद्र जी लगलन कहे कि विभीषण अब हमसे लड़ाई ना हो। देखें विभीषण वही थोड़ा सा चोट मरले है। कहले है कि नाथ ई बतिया हम ना कहते हैं। अरे जेकरी चलते ही पूरा लंका नाश है। मेन दुश्मन तब बहिन बचले है। देखें श्री रामचंद्र जी जज्बा में आके धनुष बाण उठौलन और कहलन कि अब रावण के विनाश करे खा। कभी के हाँ अंतिम लाइन देव पर के स्वामी गुरु बिहारी लगन कहे गुरु शिव धारी राम फेर कभी राम वृक्ष अरे वो पीजी बने पुजारी हो अब लड़ाई यार पार के होई तो सुरेंद्र हीरा लाल शारद को शीश झुकाई लड़ाई।